यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है ये, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद, चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में, इक्कम सत् विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है। और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्रा नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्रा नंबर 1 में मा चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्रा नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा भगवान का सही तस्वुर। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर, और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वो है, आपको कहेगा सूरे इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुभान व तआला फरमाते कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरे इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुभान व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जोहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जोहरी को देते हैं, आप ये सोना जोहरी को देते हैं और वो सोने को टचस्टोन से एक पत्थर से घिसता है और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टचस्टोन। सूरे इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान उस खुदा को जांचो सूरे इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। और आप तो जानते होंगे भगवान रजनीश के बारे में, आप जानते हैं क्या नहीं? आप भगवान को जानते हैं क्या नहीं? जानते, क्योंकि उसका ताल्लुक इस शहर, इस सिटी पूना से है, उसका मरकज पूना ही है। अब हम देखेंगे क्या भगवान रजनीश सही खुदा है क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, पहली आयत, कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? कई इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में, इस देश भारत में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। वो एक ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक रजनीश भक्त कहेगा भगवान रजनीश यूनिक है, अलग है, वो स्पेशल है। ठीक है, हम दूसरी आयत पर जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं खुदा को, भगवान को डायबिटीज है, भगवान को, खुदा को अस्थमा है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। ही बिगेट्स नॉट नो इज बिगॉटन। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश के वालिदैन थे, माता भी थी और पिता भी थे, और उसकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई। और सन 1981 में भगवान रजनीश अमेरिका यूएसए जाता है, और वहां एक शहर ओरेगॉन, इन द स्टेट ऑफ ओरेगॉन, वो अपना एक गांव बनाता है जिसका नाम था रजनीशपुरम। और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश का इल्जाम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं कोई भगवान, कोई खुदा को जहर दे रहा है। और 1985 में, सन 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को यूएसए के बाहर निकाल देती है। फिर से वो इस शहर में आता है, आपके शहर में, पूना में, और अपने मरकज ओशो कम्यून, आज उसका नाम है ओशो कम्यून, वो जाता है। अगर आप ओशो कम्यून रजनीश के मरकज जाएंगे, और मैं कई बार जा चुका हूं दावा करने के लिए, माशाल्लाह। आप सोचेंगे क्यों गया था मैं। आप उसकी समाधि पे जाएंगे, उसके टूम स्टोन, उसके तख्ती पे लिखा हुआ है भगवान रजनीश, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 11th ऑफ डिसम्बर 1931 टू द 19th ऑफ जनवरी 1990। ओशो ना वो पैदा हुआ ना उसकी मौत हुई, लेकिन इस जमीन पे वो सैर करने के लिए, घूमने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक ना वो पैदा हुआ ना मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक। उस तख्ती पे, उस टूमस्टोन पे ये नहीं लिखा था कि उसे 21 मुमालिक के वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं भगवान खुदा दुनिया पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, और उन्हें वीजा नहीं मिलता है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस, उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान रजनीश को इस देश से नहीं निकालते हैं, हम उसका घर जलाएंगे और उसके शागिर्दों का घर जलाएंगे। और आखिरी आयत, आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल्लहु कुफवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम खुदा को, अल्लाह को, किसी के बराबर कर सके, अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर सके कायनात में किससे भी, तो वो खुदा नहीं, तो वो अल्लाह नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हम अगर अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में तो वो खुदा ही नहीं।